हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाना सिखाऊंगा। जैसे ये सेंटेंस हमारी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, वह पढ़ता है। अगर मुझे इस टाइप के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो इसके लिए एक रूल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कभी कभी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस भी ऐड करते हैं। एस या ईएस ऐड किया जाता है कब? जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ते हैं, एस या ईएस जोड़ते हैं। अब जैसे मुझे इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, वह पढ़ता है, तो इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले वह की इंग्लिश ही, और ये हो गया सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है। अब इसके बाद मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो वर्ब है पढ़ता है, पढ़ता है यानी पढ़ने को हम इंग्लिश में बोलते हैं रीड। अभी हमारा जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो सेंटेंस में हमें जो ये वर्ब है इसमें हमें एस ऑल लगाना पड़ेगा, यानी कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा ही रीड्स, वह पढ़ता है। अब अगर मुझे इस सेंटेंस को थोड़ा बड़ा करना है कि वह किताब पढ़ता है, तो इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो वह पढ़ता है, पहले इसकी इंग्लिश लगेगी ही रीड्स, और किताब को अगर हम कहें कि एक किताब, तो ही रीड अ बुक, He reads a book. इस तरीके से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, वह क्रिकेट खेलता है। अगर इसको हम ट्रांसलेट करें तो ये हो जाएगा ही और खेलता है, इसको बनाएंगे यानी प्ले में एस लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही प्लेज और फिर क्रिकेट लगाएंगे, ही प्लेज क्रिकेट। ऐसे ही सेंटेंसेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।